हेलो डियर चिल्ड्रेन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश प्राइमर AA में यूज ऑफ दिस एंड दोज। क्या पढ़ेंगे हम? यूज ऑफ दिस एंड दोज। दिस का दिज हो जाएगा, दैट का दोज हो जाता है। ओके, यहाँ पे दिया है ना, दिस इज यूज विथ मोर देन वन थिंग नियर बाई मी। मतलब दिज का यूज हम कब करते हैं? जब एक से अधिक वस्तुएं हमारे हमसे पास में होती हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? दिज का यूज करते हैं। एक से अधिक वस्तुएं जब हमारे पास में होती है, तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं? दिज का। ये वन बॉल है, तो इसके लिए दिस इज अ बॉल यूज करते हैं ना। बट ये एक से अधिक है, तो यहाँ पे किसका यूज होता है? दिज का। एक से अधिक वस्तुओं के लिए और जो हमसे पास में रहता है, उसके लिए किसका यूज करते हैं? दिज का यूज करते हैं। दिया यहाँ पे ना, दिज आर बर्ड्स। ये बर्ड्स हमसे पास में हैं और एक से अधिक हैं, तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया? दिज का यूज किया है। और यहाँ अब दोज का यूज कब करते हैं? दोज इज यूज विद मोर देन वन थिंग्स विच इज नॉट नियर। दोज का यूज हम कब करते हैं? जब एक से अधिक वस्तुएं होती हैं और हमसे काफ़ी दूर होती हैं, तो वहाँ पे किस चीज़ का यूज करते हैं? हम दोज का यूज करते हैं। दोज का यूज कब करते हैं? जब एक से अधिक वस्तुएं हमसे काफ़ी दूर होती हैं, तो वहाँ पे किस चीज़ का यूज करते हैं? दोज का। ओके, यहाँ पे दिया है ना, दोज आर किड्स। मतलब ये किड्स हमसे काफ़ी दूर हैं और एक से अधिक हैं, तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज हो जाएगा? दोज का यूज हो जाएगा। यहाँ पे दिया है, दीज आर ट्रीज। ये सब पेड़ हैं। क्या है? ये सब पेड़ हैं। एक से अधिक है ना, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? दिस का यूज होगा। और यहाँ पे दिया है, दोज आर कार्स। एक से अधिक है, तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया है? दोज का यूज किया। और ये हमसे काफ़ी दूर हैं, है ना, हमसे दूर काफ़ी, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? दोज का यूज होगा। और यहाँ पे क्या दिया है? दीज आर बैग्स। एक से अधिक हैं और हमसे पास में, तो किसका यूज होगा? दीज का यूज। एंड दोज आर शूज। ये शू हैं, एक से अधिक हैं, तो यहाँ पे दोज का यूज होगा। ओके, अभी हम एक्सरसाइज पे आते हैं अपने। एक्टिविटी, कंप्लीट द सेंटेंस विद दीज एंड दोज। यहाँ पे पिक्चर्स बने हुए हैं, आपको खुद से दीज एंड दोज सही जगह पे फिल करना है। ओके, ये हैंड्स आपको दिख रहे हैं ना, इधर इंडिकेट कर रहे हैं हमसे पास में है ये लैम्प, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? दिज का यूज होगा। दिज आर लैम्प्स। ओके, यहाँ पे क्या होगा? दोज आर कार्स। जब एक से अधिक हैं और दोज के साथ आर का यूज होता है, दैट, दिस और दैट के साथ इज का यूज होगा, दिज एंड दोज के साथ आर का यूज होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक से अधिक वस्तुएं होती हैं, तो वहाँ पे हमको आर यूज करना होता है दिज और दोज के साथ। और यहाँ पे दिया है, दिज आर हर्ट्स। दिज का यूज करेंगे यहाँ पे, THEES, दिज आर हर्ट्स। दोज आर स्टार्स। स्टार हमसे काफ़ी दूर होता है स्काई में ना, तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज होगा? दोज। ओके, दिज आर एग्स। दिज एंड दोज आर काउज। ये एक्सरसाइज आप लोग आराम से ध्यान से समझ के करिएगा। ओके, बाय।